जनपद में कोविड के टीकाकरण के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर घर घर दस्तक देते हुए जो लोग कोविड टीकाकरण से छूटे हुए हैं, जिसमें वृद्ध लोग, विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, ऐसे लोगों का शत प्रतिशत टीकाकरण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग जागरूक होकर अपना टीकाकरण करा लें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनका प्रथम व द्वितीय डोज का टीकाकरण छूटा हुआ है, तो वह लोग अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर जरूर टीका लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर घर दस्तक देते हुए, जैसे पूर्व में भी अभियान चले थे, वैसे ही हमारी टीमें जाके जो टीकाकरण से वांछित लोग हैं, विशेषकर वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग और अन्य लोग जो छूटे हुए हैं, उन सबके लिए टीकाकरण शत प्रतिशत करने की कवायद शुरू करनी है, जिसके लिए जनपद लेवल पे बैठकें करके सभी को मोबिलाइज कर दिया गया है। टीमें तैनात हो गई हैं, विशेष टीमें भी तैनात हो गई हैं, मोबाइल गाड़ियां भी तैनात हुई हैं और लगातार प्रयास करके सभी लोगों को टीकाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जनसहभागिता बहुत आवश्यक है। मैं सभी से आग्रह करूँगा, जो भी टीकाकरण से प्रथम डोज या द्वितीय डोज और अभी प्रिकॉशनरी डोज, सतर्कता डोज से भी कोई वांछित हैं, तो तत्काल प्रभाव से वहाँ के आशा एएनएम आंगनवाड़ी से संपर्क करते हुए ब्लॉकों में जो सीएचसी पीएससी में जो शिविर लगे हुए हैं, लगातार टीकाकरण हो रहा है, उन शिविरों में प्रतिभाग करते हुए सुनिश्चित करा लें ताकि कोई भी इस कवच से ना छूटे।